अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आजकल हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा सातवीं की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 33वां पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे 12वें दिन का युद्ध। ठीक है, तो इसका नाम भी है 12वां दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने के अंत में यह निश्चय किया गया कि युधिष्ठिर को जीवित तब तक पकड़ना संभव नहीं जब तक हम अर्जुन को युद्ध स्थल से कहीं दूर ना ले जाएं। तो इन्होंने क्या किया, अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों ना ललकार कर हम युधिष्ठिर के पास से हटा दें। अब इन्होंने क्या किया, कौरव सेना ने कि ये युद्ध का 12वां दिन था, बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी, आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की परंतु वे असफल रहे, तो भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यानी इन्होंने क्या किया कि ये मारा तो गया था लेकिन उन्होंने क्या किया कि झूठी अनाउंसमेंट, झूठा ये करा दी, खबर फैलवा दी। अब जब जैसे युधिष्ठिर को लगा कि भीमसेन मारा गया, यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दे दी कि वे भगदत्त पर आक्रमण कर दे। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक मतलब सेना आ पहुंची और वृद्ध भगदत्त को चारों ओर से पांडव वीरों ने घेर लिया। उधर दूर अर्जुन संक्षप्तकों से युद्ध लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही खूब तीखे बाण बरसाए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया, तोमर अर्जुन के मुकुट के पास आकर लगा। इससे अर्जुन को बहुत क्रोध आया, उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अपनी आंखों से देख लो। यानी उसको गुस्सा आया, उसने कहा मैं ऐसा बाण चलाने वाला हूँ, ऐसा युद्ध करने वाला हूँ कि तुम इस संसार में नहीं रहने पाओगे। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ, अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त के आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी, रेशम की पट्टी कट गई जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रहती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई, अब उसको कुछ भी सूझना बंद हो गया, वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया था। यानी इसको दिखाई नहीं दे रहा था तो वो बाण कैसे चलाता, ये किसने उसकी दशा करी थी, अर्जुन ने भगदत्त की ये दशा कर दी थी। थोड़ी देर में एक और पहने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते देखकर कौरव की सेना भय के मारे तितर बितर होने लगी, वो डर गए कि हमारा तो ये जो इतना वीर योद्धा था वो मरने लगा। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक, बच्चों इनके नाम याद रखना, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित नहीं हुए, वे जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे से पीछे से बड़े तीखे आक्रमण किए और ऐसी बाणों की वर्षा करके अर्जुन को बहुत परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर तक उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया थोड़ी देर में ही, और उनकी सेना पर भयानक बाणों की वर्षा कर दी। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये किसके भाई हैं, ये शकुनी के भाई थे और इनका नाम क्या था, वृषक और अचक। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध के और शोक की मतलब दुख की कोई सीमा ना रही, वह बहुत दुखी हो गया, गुस्से में आ गया, उसने युद्ध करना आरंभ कर दिया। किससे, अर्जुन से। उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, यानी उसने सोचा मैं किसी भी प्रकार से अपने भाइयों की मृत्यु का बदला अर्जुन से लूंगा। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी, असंख्य वीर जो थे धरती पर योद्धा मारे गए, खून की नदियां सी बहने लगी, थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ। अपनी सेना का ये हाल देखकर द्रोणाचार्य ने अपनी लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं
अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार से 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो ये था 12वें दिन का युद्ध, जिसमें हमने देखा जो प्रमुख जो हमारे योद्धा मारे गए हैं, जिनमें से एक है भीम भगदत्त और दूसरा कौन सा है, शकुनी के दो भाई वृषक और अजक। ये तीन जो योद्धा थे इस दिन के प्रमुख योद्धा मारे जाने के रहे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ललकारना, उकसाना, हमला, आक्रमण, मर्म स्थान, संवेदनशील स्थान, तितर बितर होना, इधर उधर होना, विचलित, घबराना, तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट, अनुपम, अनोखा, असंख्य, जिनकी संख्या जिनकी गिनती न की जा सके। प्रश्न देख लेते हैं एक दूसरे का। 12वें दिन के युद्ध में कौरवों ने क्या योजना बनाई? तो युधिष्ठिर को पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर कौरवों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए, और लड़ते लड़ते जब युधिष्ठिर से दूर निकल जाएंगे तो हमारे लिए युधिष्ठिर को बंदी बनाना बहुत आसान रहेगा। लेकिन द्रोण ने युधिष्ठिर को कई बार पकड़ने की कोशिश करी, फिर भी वे असफल रहे। एक और ये हमारा प्रश्न है जो मैंने आपको कहा था, आपको अंडरलाइन भी कराया है। 12वें दिन के युद्ध में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण शकुनी अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसका क्या परिणाम रहा? 12वें दिन के युद्ध में शकुनी के दो भाई वृषक और अजक पांडवों से वीरतापूर्वक युद्ध कर रहे थे। वीर अर्जुन ने उनके रथ को नष्ट कर दिया और उनकी सेनाओं पर बाणों की भयंकर वर्षा कर दी। दोनों योद्धा जो उसके भाई थे वे मारे गए। अपने भाइयों के मारे जाने की खबर सुनकर शकुनी अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन से युद्ध करने की चेष्टा की और थोड़ी देर भी वो लेकिन युद्ध के में अर्जुन के सामने अर्जुन के बाणों के समक्ष न टिक सका और वह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, जिसका नाम था 12वां दिन। तो 12वें दिन के युद्ध की ये स्थिति रही। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। अभिमन्यु, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।